नशिस्तों पर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला मुकम्मल। बानी पीटीआई के एन ए 89 मियांवाली और एन ए 122 लाहौर से कागजात नामजदगी मुस्तरद। एन ए 150, एन ए 151 पीपी 214 से शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी के कागजात मुस्तरद। एन ए 69 से चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही, कैसरा इलाही के कागजात भी मुस्तरद। एन ए 61 झेलम से फवाद चौधरी, एन ए 129 लाहौर से हमाद अजहर, एन ए 130 से यासमीन राशिद और एन ए 50 अटक से जुल्फी बुखारी। एन ए 71 से उस्मान डार की अहलिया और वालदा के कागजात भी मुस्तरद। एन ए 408 से मुराद सईद, एन ए 15 मानसेरा से आजम स्वाति के कागजात भी मुस्तरद। असद कैसर और कासिम सूरी के कागजात भी मुस्तरद। एन ए 57 रावलपिंडी से शेख रशीद और उनके भतीजे शेख राशिद शफीक के कागजात भी मुस्तरद हो गए। इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए 116 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। तहरीक इंसाफ के सिर्फ 2 उम्मीदवारों बाबर रवान और अली बुखारी को क्लीन चिट मिल सकी। जमात इस्लामी के 3 में से 2 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हो गए। एन ए 46 से 41 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर जबकि 32 के मुस्तरद। एन ए 47 से 36 कागजात नामजदगी मंजूर और 39 मुस्तरद हुए और एन ए 48 से 39 कागजात नामजदगी मंजूर जबकि 22 मुस्तरद कर दिए गए। कौमी असम्बली के हल्का एन ए 234 में सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। एन ए 234 कोरंगी कराची में 33 में से 27 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए और सिर्फ 6 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। एम क्यू एम के सादिक इफ्तिखार, पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली राशिद और पीटीआई के उम्मीदवार फहीम खान के कागजात मुस्तरद हुए। एन ए 234 से नून लीग के सलीम जिया के कागजात नामजदगी मंजूर हुए।